कहानी के शुरुआत में हम लोग रुओ को देखते हैं। वो इस कहानी की हीरोइन है। वो कू नाम के एक बंदे को पसंद करती थी और वो लिली नाम के एक बंदे को पसंद करता था। इस चक्कर में दोनों मिलकर के रुओ को मार डालते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये तो बस एक नॉवेल की कहानी है। और एक्चुअल में रुओ जो कि इस कहानी का रियल हीरोइन है, वो बुक पढ़ते पढ़ते उस बुक में एंटर कर जाती है, जहाँ पर वो स्विमिंग पूल में डूब रही थी। लिली ने उसे धक्का दिया था और उसका फ्रेंड उसे वहाँ से निकाल के लेके आता है। सिचुएशन समझाता है रुओ को, तो शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था कि वो तो अपने शूटिंग के लिए नई स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और यहाँ पर एंडिंग में वो उसमें कैसे एंटर कर गई। शुरुआत में उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है ये जान करके, क्योंकि वो यहाँ पर एक VCS कैरेक्टर के रूप में इस ड्रामा में आई हुई थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो VCS कैरेक्टर तो बन करके रहने नहीं वाली है, तो उसे अपना फ्यूचर यहाँ पर चेंज करना होगा। यहाँ पर वो जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को हैंडल आउट करने का कोशिश करती है। तब तक गू वहाँ पर लिली को लेकर के आ जाता है और वही सेम लाइन मारता है जो कि रू यहाँ पर बोल रही थी। गू का कहना था कि अगर वो लिली को सॉरी बोल देगी तो वो इस बात को जाने देगा। लिली यहाँ पर इनोसेंट वाला कार्ड प्ले करते हुए कहती है, नहीं नहीं गलती मेरी है, मेरी वजह से रूह यहाँ पर पानी में गिर गई। और कुछ चमचिया जो लिली की थी वो रूह को ही गलत ठहरा रही थी। रूह वहाँ पर कहती है, मेरा ड्रेस, मेरा सैंडल, मेरा हेयर, ये सबका कंपनसेशन बनता है 20 लाख रुपये, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे ट्रांसफ़र कर दो और मैं इस बात को जाने दूंगी, वरना मैं तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर का करूंगी केस। वो लोग कहने लगते हैं कि तुम तो बस एक नॉर्मल सी एक्ट्रेस हो, तुम्हारे पास इतने पैंगे चीज़ें कहाँ से आएंगी। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम उसका ये बिल देख सकते हो। अब रू ने एक्चुअल में एक हिडन तरीके से रिच बंदे से शादी कर लिया था और उसी ने ये चीज़ ऑफर किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर गू लिली का इमेज बचाने के लिए यहाँ पर रू को वो पैसे दे देता है। अब गू का कैरेक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है आगे चल के मुझे लिटरली समझ में नहीं आया, आपको आएगा तो ज़रूर ही मुझे कम में बताने का कष्ट कर देगा। यहाँ पर उसका फ्रेंड कह रहा था, यार ये 20 लाख रुपए थोड़ी सी रकम लेकर के तुम इतनी खुश हो रही हो। रुओ कहती है, 20 लाख रुपए तुम्हारे लिए थोड़ी सी रकम होती होगी, मुझ जैसे मिडिल क्लास के लिए ये बहुत ही बड़ी रकम है। आगे वो सोचती है कि इस कैरेक्टर ने तो जैन नाम के बंदे से शादी की हुई है और वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है। भले ही जैन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिच है, फैमिली प्रेशर की वजह से उसने रुओ से शादी कर लिया और हर महीने वो उसे 50 लाख रुपीज़ काम करने के देता है, अपना वाइफ का रोल प्ले करने का। दोनों सामने से गुजरते हैं, लेकिन रूह जिनको पहचानते नहीं थी इसलिए वो देख के आगे बढ़ जाती है। उसका सेक्रेटरी उसे कहता है, शायद रूह ने आपको देखा नहीं होगा। रूह अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है और पसती है जैन के घर के बाहर। वो सोचती है घर कितना खूबसूरत है और कितना बड़ा है। घर में अंदर जाती है तो जो घर का बटलर होता है वो रूह से काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा था और उसे ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए बोलता है। रूह यहाँ पर जैन के बारे में जानना चाह रही थी और लोगों के बारे में यहाँ पर जो कि उसके इस कैरेक्टर में प्ले करने वाले थे। उसने बाई फेस तो किसी को देखा नहीं ना, सिर्फ यहाँ पर स्क्रिप्ट ही पढ़ी थी, इसी वजह से वो किसी को पहचान नहीं पा रही और ना ही रिलेशंस जान पा रही है। उसे ध्यान आता है उसकी एक बेस्टी भी तो होनी चाहिए कैरेक्टर के हिसाब से, लेकिन उसका नंबर वंबर भी सेव उसे नहीं दिख रहा है। तभी वहाँ पे जैन आता है। घर का बटलर उसे बताता है कि रूह आ चुकी है कुछ देर पहले। रूह नींद में खाली पैर चलते चलते नीचे आ जाती है पानी पीने के लिए, जैन से टकराती है। वो तो देख के घबराने लगती है, तब उसे समझ आता है अच्छा यही जैन है, ये तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। उसे कहता है घर का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, खाली पैर नहीं चलने के लिए। रूह फ्रिज से पानी पीने के लिए चली जाती है। वो सोच रही होती है उसे रूह के सामने अच्छे से बिहेव करना होगा वरना वो उसकी मंथली कट कर सकता है। फिर उसका बटलर उसे कहता है जाकर के अपने कमरे में सो जाने के लिए और हल्ला नहीं करने के लिए, जैन को रात में अच्छे से नींद नहीं आता। अगले मॉर्निंग वो सोच रही होती है कि अगर यहाँ पर बाहरी लोगों को पता चल गया कि वो जैन से मैरिड है तो फिर सब उसे जैन से अलग करने के बारे में सोचने लगेंगे। नॉर्मली रूह यहाँ पर जैन के साथ ब्रेकफास्ट नहीं किया करती थी, लेकिन ये सोचने के चक्कर में वो यहाँ पर मस्ती में ब्रेकफास्ट कर रही होती है। खाना वाने खाने के बाद वो वहाँ से जा रही थी तभी उसकी सौतेले सिस्टर आकर के उससे पैसे मांगने लगती है, उससे एक ड्रेस बाय करना है। और पहले वाली जो रूह थी वो नॉर्मली उसे पैसे दे दिया करती थी, बट ये वाली रूह उसे घंटा पैसे नहीं दे रही। वो अपने मॉम डैड के घर जाती है तो वो लोग भी बहुत ही बदमाश थे और हमेशा रूह का इस्तेमाल उन लोगों ने उससे पैसे निकलवाने के लिए किए हैं। और रूह नॉर्मली उन्हें पैसे दे भी दिया करती थी, इसी वजह से सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आने लगता है जब यहाँ पर के रूह अब उन्हें पैसे देने से मना कर रही है और वो ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये इतनी कैसे बदल गई। रूह वहाँ से निकल करके अब अपने घर जाने के लिए सोच रही थी, क्योंकि जैन के घर पे वो स्टे नहीं करती थी इस कहानी के हिसाब से।
उसे खुद नहीं पता था कि उसका फ्लैट कहाँ है, तो वो जैसे तैसे करके अपनी बेस्टी का नंबर निकालती है और उसे कॉल करती है और उसे लेने के लिए आने कहती है। उसकी बेस्टी भी नाम की थी, रो इतनी ज़्यादा अकड़ी थी कि वो उससे भी अच्छे से बिहेव नहीं किया करती थी, और यहाँ पर वो इस तरीके से उसे अच्छे से बिहेव कर रही थी। वो उसे उसके घर लेकर के जाने के लिए कहती है। घर जाने पे फिंगरप्रिंट से वो अपना घर अनलॉक करती है। अंदर जा कर के देखती है तो पूरा घर बिखरा हुआ था। रूह सच में बहुत ही बकवास तरीके से अपनी लाइफ जीती थी। यहाँ पर हमेशा की तरह उसकी बेस्टी यान घर की चीज़ों को समेटने लगती है, तो रूह उसे डांटते हुए अपने पास बैठने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें ये सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो घर के मेट को कहती है घर क्लीन करने के लिए। वो लोग कुछ देर वहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड तरीके से बैठते हैं। फिर वो अपनी बेस्टी को कहती है कि चलो हम बाहर चलते हैं कहीं खाना खाने के लिए, उसे यहाँ पे नहीं बैठना था। वो उसे वहाँ से लेकर के जाती है। दोनों जब साथ में खाना खा रहे होते हैं तो वो जेन के फैमिली के बारे में और जेन के बारे में उससे जानने का कोशिश कर रही थी कि आखिरकार वो किस तरीके का इंसान है। उसकी बेस्टी उसे बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है लेकिन रिच है, हमें सिर्फ इतना पता है। वो जेन में इतना क्यों इंटरेस्ट ले रही है, वो उसे पसंद करने लगी क्या? रूह उसे कहती है अरे नहीं नहीं मुझे तो वो ध्यान भी नहीं रहता है, कई बार हम दोनों इतना कम मिलते हैं। जेन उसकी बातों को सुन लेता है और इग्नोर करके चले जाता है। अब यहाँ पर जो घर का बटलर होता है रात में रूह को मैसेज करता है जेन की फैमिली से मिलने के लिए नेक्स्ट जाना है। वो मना कर रही होती है तो जेन का ऑर्डर था कि अगर रूह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगी तो उसके 20 मिलियन कट कर लिए जाएंगे। बेचारी रूह रेडी हो जाती है। इधर हम लोग रूह को देखते हैं। जब रूह उसे रिजेक्ट करना स्टार्ट करती है तब उसे एहसास होता है कि रूह लिली के कंपेयर में काफ़ी अच्छी है। एक्चुअल में रूह पहले रूह को पसंद किया करता था लेकिन किसी रीजन से वो रूह को ये बात बता नहीं पाया और लिली और रूह बिल्कुल सेम दिखते थे, इसी वजह से उसने लिली को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। नेक्स्ट डे रूह की बेस्टी का बर्थडे था, उसने उसे इनवाइट किया हुआ था तो वो वहाँ जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो पहुँच थी रूह वहाँ पर जाके तमाशा करने लगता है यान के बर्थडे में कि तुम उसके और यान के बारे में रूमर्स फैला रहे हो। तभी वहाँ पर रूह आ जाती है। अब पहले रूह यान पर बिल्कुल भाव नहीं दिया करती थी। रूह यहाँ पर कहता है कि अगर तुम यान को थप्पड़ मारोगी क्योंकि उसने गलती किया है तो मैं इस बात को जाने दे दूंगी। रूह कहती है चलो ठीक है, थप्पड़ मारती जरूर है लेकिन यान को नहीं। यहाँ पर रूह को वो थप्पड़ मारती है। रूह कहती है मुझे क्यों थप्पड़ मारा? रूह कहती है तो बिना किसी के बर्थडे में इनवाइट किए तुम यहाँ पर आ गए हो और आकर के तुम मासा कर रहे हो। वो अपना सारा से शक्ल लेकर के वहाँ से चले जाता है। इस तरीके से रूह यान का सपोर्ट करती है तो वो तो खुद शौक थी, उसने यान के लिए काफ़ी प्रोटेक्शन नेकलेस लेकर गया हुआ था। और यहाँ पर हमें पता चलता है यान का जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ही लालची है। रूह से उसका नंबर मांगने लगा था फर्स्ट मीटिंग में, वो इग्नोर करके पार्टी फिनिश करके वहाँ से निकल रही थी। उसे सेक्रेटरी का मैसेज आता है जेन को हेल्प चाहिए इस होटल के कमरे में चले जाने के लिए। रूह वहाँ जाती है तो वो जेन को ऐसे आधा नंगा पुंगा देखती है तो वो सोचती है कि यहाँ पर वो क्या हेल्प करने वाली है। जेन उसे कहता है किसी ने उसे लव ड्रग दिया है, ये डॉक्टर का नंबर है, डॉक्टर के आने तक तुम्हें यहाँ पर मेरा केयर करना है, मैं सोने का कोशिश कर रही हूँ। बेचारी रूह 20 मिलियन के लिए जग करके जेन को ताड़ रही होती है लेकिन वो कब उसे ऐसे हक करके सो जाती है उसे खुद पता ही नहीं चलता है। अगली मॉर्निंग सीधे उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो जेन को हक करके सो रही है। वो घबरा जाती है कि कहीं जेन उसके पैसे ना कट कर ले, लेकिन जेन इतना भी बुरा नहीं था जितना कि अकड़ू और बुरा रूह ने उसके बारे में इमेजिन किया था। वह ऐसा नहीं करता, वो बस रूह को बात बात पर डराते रहता था कि वो उसके पैसे कट कर लेगा जब उसकी बात नहीं मानती थी। तब उसके सेक्रेटरी उन दोनों के लिए यहाँ पर ड्रेसेस लेकर के आते हैं। ये ड्रेस पहन करके रूह को जेन के फैमिली से मिलने जाना था। ड्रेस और ज्वेलरी यहाँ पर जेन की तरफ से रूह को गिफ्ट थे तो अभी इससे बात है रूह समझ जाती है कि वो बहुत ही महंगे होने वाले हैं। पहले वो लोग यहाँ पर लंच करने के लिए जाते हैं क्योंकि भूख लगी थी। अब जब लंच करने के लिए जाते हैं तो जेन को पता था इस तरीके से कि वो एक्चुअली में गू के पीछे पड़ी रहती है, फिर भी वो नॉर्मल था क्योंकि दोनों के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थे और उसे लड़कियां पसंद नहीं थी। रूह को इसलिए जेन को झूठ बोलना पड़ता था कि वो अभी गू में ही इंटरेस्टेड है वरना कहीं वो उसे जॉब से ना निकाल दे। गू और लिली भी यहाँ पर इस तरीके से आ जाते हैं। जेन खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं रूह का हस्बैंड हूँ। ये देख करके लिली को लगने लगता है रूह का हस्बैंड इतना ज़्यादा हैंडसम और ऊपर से इतना रिच है, मैं कहाँ इस गधे के चक्कर में पड़ गई, मुझे भी काश यही हस्बैंड मिल जाता। अब रूह सोच रही होती है कि कहीं गू कोई कांड ना करने लगे जिस वजह से जेन उसे डाइवोर्स देने के लिए बोल दे, ये तो पंगे बढ़ जाएंगे।
गु वहां से जाने लगता है। लिली कहती है कि तुम अब भी रूह को पसंद करते हो क्या? सब सच कहते हैं, मैं उसकी सब्स्टिट्यूट हूँ जो तुम उसे देख करके अपने हस्बैंड के साथ ऐसे जेलिस होकर के वहां से जा रहे हो। वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छा चलो अब यहाँ आ ही गए हैं तो साथ में हम लोग खाना वाना खा लेते हैं। तो वो दोनों दूसरी टेबल पर चले जाते हैं। जेन उसे कहता है तुम इस छपरी को पसंद करती हो? रूह कहती है हाँ कह सकते हो। अब उसे जानबूझकर ऐसा कहना पड़ता है। इसके बाद जेन रूह को अपने घर लेकर के जाता है। वो उसे कहता है मेरे घर वालों को झेलने के लिए वो उसे कुछ एक्स्ट्रा कंपनसेशन दे देगा। रूह समझ जाती है अंदर तमाशा ही होने वाला है। वो दोनों तब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो स्टेप मदर थी ना वो यहाँ पे उसकी दूर की कजन सिस्टर के साथ है। जो दूर की कजन सिस्टर है ना वो जेन से शादी करना चाहती थी। उसके साथ कितना भी फ्लर्टबाजी करने का उसने कोशिश किया था लेकिन जेन ने उसे कभी भा नहीं दिया था। सारी फैमिली के सामने वो लोग ऐसे हाथों में हाथें डाल करके घूम रहे होते ताकि सबको ये लगे वो लोग काफी लबी डबी कपल हैं। अब यहाँ पर एक ही कमरा था और आज रात स्टे करना था तो इन दोनों को सेम ही बेड पर स्टे करना पड़ेगा। अलग कमरा तो मिलने नहीं वाला है और ना ही यहाँ पर कमरे में कोई सोफा है। तो ये दोनों डिसाइड कर रहे थे कि बेड के किस साइड पर कौन सोने वाला है। जेन यहाँ पर रूम में अब तक तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तभी वहाँ पर जो घर के कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पर आने लगते हैं तो जेन को रूह के साथ वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है, लवी डबी हो करके दिखाना पड़ता है और रूह को ये सब कुछ झेलना पड़ता है। जेन की दूर की कज़न सिस्टर उसकी स्टेप मॉम को जाकर के कंप्लेन करती है कि दोनों तो कुछ ज़्यादा ही खोजी खोजी रह रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि इनका फेक मैरिज है। उसकी मामू से कहती है कि ये लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, तुम थोड़ा सा वक्त दो देखना कैसे जेन रूह को डाइवोर्स देगा और फिर मैं तुम्हारी शादी उससे कराने वाली हूँ। इन लोगों के अलग ही दुनिया में प्लान चल रहे होते हैं। जेन रूह को फोन करता है आगे उसे भी बहुत कुछ झेलना उसके फैमिली में तो इस चीज़ के लिए वो खुद को प्रिपेयर कर ले। रूह घर के मेड को कुछ पैसे वैसे दे करके यहाँ पर उनकी फैमिली के बारे में जानने का कोशिश करती है। उसे पता चलता है जेन की एक्चुअल में यहाँ पर मॉम डैड नहीं है और उसके ग्रैंडफादर ही हैं जो फैमिली में उसे पसंद करते हैं। जो जेन की दूर की कजन सिस्टर है वो यहाँ पर रूह का इंसल्ट कर रही थी। रूह भी पिटीफुल एक्ट करने लगती है क्योंकि उसे पता था कि जेन इधर आ रहा है। जेन यहाँ पर रूह का सपोर्ट करता और अपनी दूर की कजन सिस्टर को डांटते हुए कहता है कि रूह को बुली करना बंद करो। कमरे में जा करके वो उसकी एक्टिंग की बड़ाई कर रहा था। खाना खाने की बारी आती है। 2 मिनट में रूह समझ जाती है कि ये लोग यहाँ पर जेन को आउटसाइडर की तरह ट्रीट कराते हैं और वो उसका सबके सामने केयर करने लगती है। रात में सोने जाते समय वो जेन से पूछती है वो ठीक तो है ना? जेन उसे कहता है कि बेहतर होगा हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं तो वो उसके लाइफ में और उसमें इंटरेस्ट ना ले वरना उसके लिए बहुत ही खतरा होगा। रूह कहती है कि मैं कोई तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं ले रही, मैं तो बस नॉर्मली पूछ रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारे घर में कुछ ज़्यादा ही अजीब चीज़ें नोटिस की हैं। जेन उसे कहता है बस तुम अपना जो किरदार है उसे निभाने पर फोकस करो। अब रात में यहाँ पर रूह काफ़ी ऑकवर्ड थी लेकिन जेन इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल था। अब यहाँ पर रूह जेन से उसको शर्ट मांगती है पहनने के लिए क्योंकि वह रात में कोई और पहनने के लिए ड्रेस लेकर के आई नहीं थी। रात में वैसे तो दोनों बेड पे मस्त अलग अलग सो रहे थे लेकिन जब सुबह नींद खोलती है तो एक दूसरे में ऐसे घुसे हुए थे जैसे रियल कपल थे। जेन यहाँ पर रूह पर गुस्सा कर रहा था लेकिन रूह कहती है फर्स्ट थिंग कि तुमने मुझे हक किया हुआ। फिर उठती तो देखती है कि वो बेड का पूरा एक हिस्सा छोड़ करके वो उसके साइड वाले एरिया में है। जेन कहता है मेरा बेड मेरी मर्जी। बेचारा रूह चेंज करने के लिए जाने लगती है और उसकी दूर की कजन सिस्टर ऐसे उसका ड्रेस लेकर के आती है उसे देने के लिए तो वो रूह को जेन के ड्रेस में दे करके बेहोश हो जाती है। उसे हर्ट की प्रॉब्लम थी और अचानक से एक्साइटमेंट वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जेन उसे कहता है तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है क्या? रूह कहती है मुझे क्यों बुरा लगेगा, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जेन कहती है कहता है हाँ बट मुझे घंटा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे ड्रेसेस लेकर के आओ मुझे चेंज करना है। रूह जेन के नखरों से बहुत ही परेशान हो रही थी। बाहर जाती है जेन के स्टेप मदर रूह को डांट लगाने का कोशिश करती है कि वह कुछ ज़्यादा ही जेन को अपना रियल हस्बैंड समझने लगी है लेकिन तभी वहाँ पर जेन रूह के सपोर्ट में आता है और जब वो आता है ना तो उसकी मुँह बिल्कुल ही अपने तेवर बदल देती है और रूह से अच्छे से बिहेव करने लगती है। वो सिर्फ और सिर्फ जेन के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग किया करती थी। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो आधे रास्ते हैं रूह को उतार देता है और कहता है कि यहाँ से तुम्हें टैक्सी मिल जाएगी, मुझे किसी और काम से जाना है। रूह को लिटरली बहुत गुस्सा आता है। वो टैक्सी लेकर के अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि इस अपार्टमेंट से गू और नैनी निकल रहे हैं। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में गू ने लेले के लिए इसके ऊपर वाला अपार्टमेंट यहाँ पे खरीद दिया है। अब वो उस चीज़ से काफ़ी चिढ़ने लगती है
रात में ये दोनों जानबूझकर रूह को परेशान करने के लिए पूरी रात को ज्यादा हल्ला करते रहते हैं। रूह रात भर सो नहीं पाती और वो अगली मॉर्निंग डिसाइड करती है। वो उन दोनों को तो फ्लैट से निकलने के लिए बोल नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर खुद का तो फ्लैट चेंज कर सकती है ना। वो अपनी बेस्टी से मिलती है और अपना ये कंसर्न शेयर करती है। उसकी बेस्टी उसे कहती है कि तुम जिनके घर जा सकती हो रहने के लिए, वैसे भी तुम दोनों लीगली मैरिड हो। उसे मैसेज करती है कि एक्चुअल में ऐसा ऐसा बात है, गो और लिली मेरे अपार्टमेंट के ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए, वो लोग मुझे जानबूझ करके परेशान कर रहे, तो मुझे अपने घर में कोई भी एक छोटा सा कमरा दे दो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और वो एक बार में मान जाता है। हालांकि रोहन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिन एक बार में मान जाने वाला है, लेकिन चलो फिलहाल उसकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। यहाँ पर उसकी बेस्टी से कहती है कि मैं ना अपनी एक टीचर को जानती हूँ, वो एक नए ड्रामा के लिए हीरोइन ढूंढ रही है, क्या वो अपना ऑडिशन देना चाहेगी? रोहन तुरंत ही इस बात के लिए रेडी हो जाती है। घर जाती है तो वो देखती है कि टेरिस पर इस तरीके से जिन ड्रंक कंडीशन में लेटा हुआ है और उसका बिहेवियर उसे काफ़ी क्रूएल सा लगता है। ऐसे ड्रिंक करने के बाद जिन पूरी तरीके से अलग बिहेव करने लगता है। उसका बटलर रूह को अपने कमरे में जाकर के रेस्ट करने के लिए बोलता है। अगली मॉर्निंग जब जिन जगता है तो वो वापस से पहले की तरह हो गया था। रूह सोच रही थी कि इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है क्या, रात में इतना क्रूएल हो जाता है और दिन में बिल्कुल नॉर्मल वाला अकड़ू रहता है। वो घर के बटलर से पूछने का कोशिश भी करती है, लेकिन घर का बटलर उसे इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। रूह को यहाँ पर उसकी बेटी का कॉल आ रहा था ऑडिशन वगैरह देने के लिए, तो वो यहाँ पर इस तरीके से रेडी हो जाती है कि चलो ठीक है। और यहाँ पर ये भी था कि कुछ दिनों में गो का बर्थडे है, तो उसने उसे इनवाइट किया है, तो उसे क्या गिफ्ट देने वाली है। रूह उसे घंटा भी कुछ गिफ्ट नहीं देने वाली थी, क्योंकि पिछली बार उसने रूह के बर्थडे पर उसे कुछ गिफ्ट नहीं किया था। ये बात वो अपनी फ्रेंड से पता करती है, तो वो बोलता है कि नहीं, पिछले साल गो ने तुम्हें कुछ भी गिफ्ट नहीं किया था, तो वो उसे कुछ गिफ्ट नहीं करने का डिसाइड करती है। अगली मॉर्निंग यहाँ पर घर के मेड लोगों को एक हफ्ते के लिए जेन ने छुट्टी दे दिया था। साल में एक बार वो सबको छुट्टी दे देता है एक साथ। तो रूह ने जेन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। फिर वो लोग इस तरीके से वहाँ से बाहर निकलते हैं। उसका बेस्टी उसे कहता है, तुम सच में उस पार्टी में जाना चाहती हो? रूह कहती है हाँ। फ्री का खाना भला मैं क्यों ही छोड़ने जाऊँ? और वो जानबूझ करके यहाँ पे एक नॉर्मल सा ड्रेस पहन करके ऐसे बिना मेकअप के वहाँ जाती है। और लिली यहाँ पर हमेशा की तरह रूह को कॉपी करने के लिए उसका पहले पहना हुआ ड्रेस पहन करके यहाँ पर आती है और उसी की तरह मेकअप करके आती है। वो यहाँ पर देखते हैं रूह जानबूझ करके बिना मेकअप का आई हुई है। फिर भी यहाँ पर जो कुछ लोग थे जो कि यहाँ पर रूह को बिना मेकअप का भी बड़ाई कर रहे होते, और कुछ लोग जो यहाँ पर लिली के चमचे थे वो लोग कह रहे होते ये हमेशा ही लिली की कॉपी करती है। उसके फ्रेंड लोग कह रही है ये ड्रेस पहले रूह ने पहना था जब वो ग्रेजुएशन अपना पास की थी, तो कौन कैसे कॉपी कर रहा है, ये तो साफ ही दिख रहा है। मस्त खाने वाने के बाद रूह पार्टी से निकल जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो यहाँ पर जेन के लिए केक लेकर के गई थी, क्योंकि उसे पता था कि घर पर कोई हेल्पर नहीं है, तो यहाँ पर जेन ने डिनर नहीं किया होगा। और वो यहाँ पर गो के बर्थडे में से उसके लिए केक लेकर के गए हुए थे और मस्त यहाँ पर जेन को ताड़े जा रही थी। हालांकि जेन स्वीट्स वगैरह नहीं खाता था, लेकिन रो इस तरीके से उसके लिए केक लेके गई थी तो वो खा रहा होता, वो खा रहा था और वो वही सोफे पे सो जाती है। अगली मॉर्निंग जब हो जाती है तो देखती है कल रात तो उसने अपना काम कंप्लीट किया नहीं, कहीं जेन वापस से उसके पैसे ना कट कर दे। उसका काम था ऐसे जेन को नींद लाना। अगली मॉर्निंग जब हो जाती है तो सच में जेन की नींद पूरी नहीं हुई थी और रो तो मस्त घोड़े बेच करके सो रही होती है। वो ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल जाता है। यहाँ पर उसे उसके बेस्टी का कॉल आता है। उसका बेस्ट फ्रेंड बॉय और गर्ल दोनों थे, वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड से रूह को मिलाना चाहता था। इस फ्रेंड के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में रूह को पता था। वो एक्शन में वहाँ पर उसके पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही होती है और बाद में इसे चल करके उसके बेस्ट फ्रेंड को उस लड़की से प्यार हो जाता है। इसी चीज़ को रोकने के लिए रूह उस लड़की से मिलने के लिए जाती है। वो प्रिटी तो थी लेकिन काफ़ी इनोसेंट बनने का एक्ट कर रही होती है और अपने सो कॉल्ड कजन को वो यहाँ पर उसके फ्रेंड के पैसों से बाहर स्टडी कराने के लिए भेजना चाह रही थी। इसी वजह से वो यहाँ पर इस तरीके से उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करा रही होती है और बातों बातों में वो अपने बेस्ट फ्रेंड को उसकी औकात दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो प्यार में पागल था। लेकिन रूह का काम तो उसे समझाने का, तो वह इसी चीज़ का कोशिश कर रही होती है। फिर वो लोग कुछ शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, जहाँ पर के रूह जेन के लिए कुछ चीज़ें खरीद के लेके आती है। उससे लगा था रूह लेट टाइट आने वाला है, इसी वजह से वो मस्त वाइन बैठ करके पी रही थी, तभी जेन आता है और दोनों ही यहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं। रूह तो थोड़ा सा मैं ड्रिंक कर रही थी और टल्ली हो गई थी, और ड्रिंक करने के बाद जेन यहाँ पर वापस से उसी तरीके से वाइल्ड बिहेव करने लगता है।
रूहों को वो मारने की कोशिश करता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो उसे इंटेंजल करके ऐसे रखेगा तो वो हमेशा ही उसके साथ रहेगी, उसे छोड़ करके नहीं जाएगी रूह के पास। लेकिन रूह इस चीज़ के बारे में नहीं जानती थी। अगली सुबह जब वह जगती है तो वह जेन से थोड़ा सा घबराने लगी थी जो कुछ हुआ कल रात उसके बाद से। लेकिन देखती है कि सुबह जेन एकदम नॉर्मल है। वह समझ जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जेन पूरी तरीके से रात में इस तरीके से ड्रंक करने के बाद बदल जाता है। जेन उसे कहते हैं ये सारी चीज़ें तुमने मेरे लिए कर दी है। रूह को लगता है कि कहीं वो गलत ना समझे इसलिए वो झूठ कह दी थी कि नहीं मैं रूह के लिए कर दी थी। उसे कहता है मेरे पैसों से दूसरे लड़के को गिफ्ट दे रही हो। रूह कहती है तुमने मुझे जो मंथली दिया था उससे मैंने ये खरीदा है। जो करना है इसने कर सकते हो। जेन उसे खुद के लिए समझ करके रख लेता है वो टाइम। फिर रूह इस तरीके से ऑडिशन देने के लिए जाती है। वो अपनी दुनिया में तो एक्ट्रेस थी, यहाँ पर ऑडिशन वगैरह देती है, सबको पसंद आता है और सब लोग उसे अपने नेक्स्ट ड्रामा में काम करने के लिए रख लेते हैं। रूह वहाँ से बाहर जाती है तो उसे ऑफिस से कॉल आता है कि उसे एक्ट्रेस के तौर पर यहाँ पर चूज कर लिया गया। वो काफ़ी खुश थी। वो घर लौट रही होती है तो गू और लिली को लड़ते हुए सुनती है। बात बात में गू यहाँ पर लिली का कंपेयर यहाँ पर रूह से कर रहा था कि वो कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, तुम्हारी तरह लड़ती नहीं थी। रूह फिर घर चली जाती है। जेन यहाँ पर आता है तो देखता है रूह के नंबर पर इस तरीके से गू का मैसेज आ रहा है। ये रूह ही सही थी। जेन उसके मैसेजेस चेक कर रहा होता है। रूह उसे कहती है कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि जेन मेरे फ़ोन चेक कर सकता है। वो कहता है मैं तो बस देख रहा था तुम्हारा एक्स शायद तुम्हें अब भी याद कर रहा है। रूह यहाँ पर एक डोमिनेटिंग बॉस का ड्रामा पढ़ रही होती है। जेन उसे देख के कहता है कि तुम इस तरह की स्टोरीज पढ़ती हो। वो कहती है हाँ तुम्हें पता भी नहीं है ये स्टोरीज कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तुम भी पढ़ा करो। जेन उसे कहता है मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर वो पूछती है तुम्हारी फैमिली को बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं एक्टिंग करूँ तो। जेन कहता है तुम्हें मेरी फैमिली से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा काम है मुझे एंटरटेन करना, तुम्हारे एक्टिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रूह चली जाती है अपने कमरे में, वो खुश थी। रात में ऐसे कैसे जब वो सोने के लिए जाती है तो उसे गू का कॉल आ रहा था। और जब जी ये सुनता है कि गू का कॉल उसे आ रहा है तो फिर वो जाकर उसको फ़ोन छीन लेता है और कहता है मैंने कहा है ना रात में 9 बजे के बाद कोई कॉल नहीं आना चाहिए क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। रूह को लगने लगता है कि कहीं उसके पैसे ना कट कर ले इसलिए वो कहने लगती है कि हाँ ठीक है मैं फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ, मैं यहाँ पर किसी से बात नहीं करने वाली हूँ। फिर वो उसे कहता है उसे नींद नहीं आ रही है और वो रूह को अपने कमरे में चलने के लिए कहता है। रूह सोच रही होती है कि उसे नैनी का काम करना ही पड़ेगा। बस तो वो वहाँ पर जाकर के सो जाती है और एज यूजुअल वो नींद में ऐसे जेन को हक करने लगती है। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है जेन ऑफिस के लिए जा चुका था और आज नया मंथ का शुरुआत था तो यहाँ पे रूह को 20 मिलियन मिल जाते हैं। 20 मिलियन अपने अकाउंट में देख करके वो बहुत ही खुश महसूस कर रही थी। कुछ ही दिनों में उसकी शूटिंग वगैरह स्टार्ट होने वाली थी। घर के मेट से वो जेन के बारे में और कुछ जानने का कोशिश करती है बट कुछ खास पता नहीं चलता। वो डिसाइड करती है कि वो नया फ्लैट लेकर के शिफ्ट कर जाएगी। फ्लैट खरीद करके आती है, उसकी सौतेली सिस्टर उससे पैसे मांगने के लिए वापस से फ़ोन कर देती है तो वो गुस्से में उसे 2-4 बातें बोल करके फ़ोन रख देती है। जेन के आने पर वो उसे बताती है कि मैंने नया घर खरीद लिया है, मुझे लग रहा था कि तुम्हें शायद मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था और मैं यहाँ पर टेम्प्रेरी बेसिस पर रहने वाली थी। लेकिन जेन उसे कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। रात में रूह जेन के आने का वेट कर रही थी तो उसके फादर का कॉल आता है। उसके फादर उसे कह रहे होते हैं कि तुम कैसे सिस्टर हो, अपने सौतेले सिस्टर को तुम कुछ पैसे भी नहीं दे सकती। रूह उनसे लड़ झगड़ करके फ़ोन रख देती है और इस चक्कर में जेन और रूह के बीच लड़ाई झगड़े हो जाते हैं क्योंकि जेन उसकी बातों को सुन रहा होता और वह कुछ मजाक में उसे कमेंट कर देता है। रूह को ये बात बुरा लग जाता है। ये लोग सोच रहे होते हैं हमें रूह को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरीके से उसने जेन से शादी कर लिया। उसकी सौतेली सिस्टर दिमाग लगा रही थी वो दोनों तो फेक मैरिज में, एक बार जेन और रूह को डाइवोर्स हो जाए फिर वो शादी कर लेंगे। नेक्स्ट डे वो लोग इस तरीके से मिलने के लिए जाते हैं और रूह की बुराई कर रहे थे जेन को कि किस तरीके से वो गुरु को पसंद करती है और वो जेन से कभी प्यार नहीं करने वाली। जेन उसे कहता है मुझे तुम लोगों के आइडिया समझ में आ रहे हैं, तुम लोग क्या करना चाह रहे हो, फुटने यहाँ से अगर अपनी कंपनी को बैंकरप्ट नहीं कराना है तो। रूह किस टाइप की लड़की है मुझे अच्छे से पता है, वो ऐसा कहते वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम यहाँ पर रूह के सौतेले सिस्टर पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हें इतना आगे बढ़ बढ़ करके बोलने की क्या ही जरूरत थी, मैं बातें कर रही थी ना बड़े आए हैं बड़े घर के लोगों से शादी करने के लिए। वहाँ पर लड़कियाँ चुप रहती हैं, कम बोला करती है। उसकी सौतेले सिस्टर का यहाँ पर मुँह ही बन जाता है। जेन यहाँ पर रूह के डिसलाइक लाइक्स के बारे में अपने बटलर से पता लगा रहा था, कहीं ना कहीं वो रूह में इंटरेस्टेड जो हो गया था। इधर रात में
रूह के नंबर पे बार बार उसे मैसेजेस आ रहे थे गो के, तो जेन उसका फ़ोन लेकर के ऑफ कर देता है। रूह को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे लेट नाइट तो काम भी नहीं करने देने वाला है, वो तो पूरी तरीके से उसकी नैनी बन के रह गई है। अगली मॉर्निंग वो घर के बटलर से कह रही थी ना कि डाइवोर्स लेने के बाद ना अगर मुझे काम की जरूरत है ना तो मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करूँगी, तुम ना मुझे इस घर में नैनी का जॉब दिला देना, वैसे भी नैनी का जॉब में अच्छी खासी सैलरी है यहाँ पर। रू का बटलर कह रहा था नहीं नहीं मैं आपको किसी और घर में जॉब दिलाऊंगा, यहाँ पर नहीं। रात में रू जब जेन के साथ सोने जाती है तो उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है। जेन जल्दी जल्दी पेन किलर वगैरह मंगाता है और अब यहाँ पर वो रू का ख्याल रख रहा था। रू ऐसे कहती है कि कहीं तुम मेरे पैसे तो नहीं कट करने वाले। जेन कहता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, तो इतना बुरा तो मुझे समझती हो। फिर वो लेट नाइट तक ऐसे रू का केयर करता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अगली मॉर्निंग रू यहाँ पर जेन को थैंक्स बोलती है और बताती है वो शूटिंग के लिए जा रही है और डायरेक्टर के नाम बताती है कि इस डायरेक्टर के साथ वो वर्क कर रही है। उसे पता नहीं था कि ये जानने के बाद जेन उसके ड्रामा में इन्वेस्ट करने वाला है बिना रू को बताए। इस तरीके से रू जा रही थी एक होटल में तो वहाँ पर मिलती है लिली से। लिली ने वहाँ पर नया नया जॉब ज्वाइन किया हुआ था और वो यहाँ पर रूह को इंसल्ट करने का कोशिश करती है, जिस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने कस्टमर का ऐसे इंसल्ट किया था। रूह यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर गई हुई थी, वहीं से वो लोग कुछ दिनों की शूटिंग वगैरह करने वाली थी, ऐसी वजह से उसने होटल में रूम लिया था। वो सोच रही थी कि उसे अपने एक्टिंग के करियर को और आगे बढ़ाना होगा, वरना यहाँ पर जब उसका जेन से डाइवोर्स होगा तो फिर उसके खर्चे कौन उठाने वाला है। नेक्स्ट डे आता है जहाँ पर कि जेन अपने बटलर को कहता है रूह का जो नया ड्रामा है उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देने के लिए। उसका बटलर तो सब समझ ही रहा था। रूह जब नेक्स्ट डे अपने सूट पर जाती है तो कोई उसे भाव ही नहीं दे रहा था क्योंकि किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर इस तरीके से वो जेन की वाइफ है और यहाँ पर वो लोग उसे काफ़ी नॉर्मल ट्रीट कर रहे होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि लिली भी यहाँ पर गू का जुगाड़ लगा करके कोई ड्रामा में छोटा मोटा रोल करने के लिए आ गई है। रूह समझती है क्या यार ये लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही, सबके सामने लिली तो यहाँ पर काफ़ी इनोसेंट एक्ट करती है, लेकिन रूह ये झूठा दिखावा नहीं करने वाली थी। फिर जेन यहाँ पर आता है रूह को रिसीव करने के लिए क्योंकि उसे एक ऑक्शन पार्टी में ले करके जाना था। सब ये सोच रहे होते हैं ये बंदा इतना हैंडसम है उसका रूह से क्या कनेक्शन है। पार्टी वार्टी में रूह यहाँ पर काफ़ी ड्रंक हो जाती है, वो उसे घर लेकर के जा रहा था। उसकी फुद्दू वाली हरकतों की वजह से वो रूह को छोड़ तो सकता नहीं था। घर का बटलर तो घर की चीज़ों को ही संभालने में लगा हुआ था क्योंकि जेन यहाँ पर हमेशा ड्रंक होकर के घर की चीज़ों को तोड़ दिया करता था, लेकिन जेन का ऐसा बदलाव वाला बिहेवियर तो उसे खुद समझ में नहीं आता। वो रूह का एक्चुअल में केयर कर रहा था, वो फुद्दू जैसी हरकतें कर रही होती है, वो बेचारा आधी रात तक उसका ख्याल रखता है। अगले मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। वो घर के बटलर को शूटिंग प्लेस पर छोड़ने के लिए बोलती है। जेन देख रहा होता है कि मैं पूरी रात इस लड़की का ख्याल रखा हूँ और उसने मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। एक्चुअली में रूह को तो याद भी नहीं था कि कल रात उसने किया क्या है। जेन उसे याद दिलाता है कि पीने के बाद तुमने इतना ड्रामा किया है और वह दोबारा इतना ड्रिंक कभी नहीं करेगी। फिर वो अपनी शूटिंग प्लेस पर पहुंचती है जहां पर कि वो अच्छे से अपनी शूटिंग कर रही होती है, लेकिन लिली को अच्छी एक्टिंग करने नहीं आ रही थी, इसी वजह से डायरेक्टर उस पर बार बार गुस्सा कर रहा था। लिली यहां पर और लोगों से अपनी कनेक्शन बढ़ाने का कोशिश कर रही थी ताकि उसे और आगे सोच वगैरह मिल सके, लेकिन कोई उसे कुछ खास भाव नहीं दे रहा था। रूह यहाँ पर अपनी शूटिंग पर फोकस थी। लेट नाइट जेन यहाँ पर रूह से मिलने के लिए उसके सर उसके होटल आता है, तभी वो लोग यहाँ पर गो और लिली से मिलते हैं। गो तो जेन से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन लिली सोच रही थी कि जेन को कैसे ना कैसे करके बस वो एक बार सड्यूस कर ले, जैसे कि उसने गो से किया उसकी किस्मत बदल जाएगी। वो लोग उससे बात करने के लिए जाते हैं तो जेन उसे भाव नहीं देता और कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए आया हुआ हूँ, तो मेरा दिमाग मत खराब करो तुम लोग। ऐसा कहते हुए वो होटल में चले जाता है। लिली का शक्ल देखने लायक था लिटरली। रूह यहाँ पर जेन के लिए कुछ बाहर की चीज़ें खाने के लिए लेकर के आई हुई थी, बट वो कहाँ ही खाने वाला था। रूह सोचती है हाँ अमीर लोग वो लोग कहाँ ही बाहर के खाने खाते हैं। यहाँ पर गो और लिली जान बुझ करके इतना ज़बरदस्ती इंटीमेट हो रहे थे आवाज़ करके जिससे कि रूह को परेशानी हो, लेकिन इस बार जेन रूह के साथ था और वह से कहता है तुम उन पर ध्यान नहीं दो, मुझसे बात करो तुम्हें उनकी आवाज़ें नहीं आएंगी।
नेक्स्ट डे वो वापस से अपने शूटिंग प्लेस पर लौटती है और यहाँ पर अपने सीनियर एक्टर के साथ शूटिंग करती है। शूटिंग तो उसका बहुत अच्छा जाता है और धीरे धीरे लोग यहाँ पर रुओ के टैलेंट को सराह भी रहे थे कि ऐसे रुकी एक्ट्रेस होने के बाद भी वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। लिली बहुत ही चालाक लड़की थी, वो यहाँ पर जो सीनियर एक्टर्स थे ना उनके साथ अपना मेलजोल बढ़ाने का काम कर रही होती है। और रुओ यहाँ पर एक और गर्ल जो एक्ट्रेस थी जो कि सीनियर थी उससे बातें कर रही होती है। वो जानती थी कि वो अच्छी लड़की है और वो उसका हेल्प वेल्प जरूर ही करेगी, इसी वजह से वो यहाँ पर उससे अपना बात बात करके फ्रेंडशिप करने का कोशिश कर रही थी। वैसे तो वो लड़की किसी से ढंग से बात नहीं करती है, लेकिन इस तरीके से जब वो रुओ से बात कर रही होती है तब ये देख कर के लिली को जेलस ही होने लगता है कि उसकी दोस्ती सबसे इतनी अच्छी से कैसे हो जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब वो घर जाती है तो सुनती है कि वापस से गुओ और लिली में इस तरीके से लड़ाई हो रहा है। और यहाँ पर ये बातें ना वो सीनियर एक्टर भी सुन लेता है, जिससे कि लिली काफ़ी ज़्यादा स्वीट बन कर के बात कर रही थी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर पीठ पीछे वो उसकी बुराई कर रही होती है कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं नहीं। ये बात सुन के उसे काफ़ी बुरा लग जाता है। इधर उसे पता चलता है जैन के ग्रैंडफादर का तबीयत खराब है, तो वो हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए जाती है। तो जैन का सौतेला भाई आकर के यहाँ पर जैन की बुराई करने लगता है। तो रुओ उसे पलट के जब वापसी देती है और कहती है जैन जैसा भी है ना मैं उसे पसंद करती हूँ, तो बेहतर होगा कि वो जैन के बारे में बताने का मुझे कष्ट ना करे। ऐसा करके वहाँ से चली जाती है और जैन यहाँ पर अपने सौतेले भाई की पिटाई लगा देता है उसके बुराई करने की वजह से। उसकी मॉम यहाँ पर आती है और जब उसे पता चलता है कि ऐसे उसने जैन की बुराई की थी उसकी वाइफ से तब उसने उसकी पिटाई की है, तो उसे ऐसा लगता है कि रुओ ने जैन से कंप्लेन किया होगा कि उसका भाई वहाँ पर उसका बुराई कर रहा था। जैन वहाँ पर उसे मिलने के लिए जाता है तो सब चुप थे क्योंकि जैन से पंगा लेने का हिम्मत किसी में नहीं था। वो अपने घर में सबसे ज़्यादा रिच और सबसे ज़्यादा पावरफुल था। उसकी मॉम सारा सच जानने के बाद भी चुप रहने को मजबूर थी और वह जैन से अच्छे से बिहेव कर रही होती और कहती कोई बात नहीं, दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। रुओ यहाँ पर आती है, देखती सोचती है अभी तो ये बंदा ठीक था, अभी ये टूटा हुआ टमाटर कैसे बन गया, कोई ऐसा रियलिटी नहीं बताता है। फिर वो लोग सब खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं हम लोग इस तरीके से रुओ जैन का ख्याल रख रही होती है। और क्योंकि घर में कोई भी उसके ग्रैंडफादर के अलावा उसका ख्याल रखने वाला नहीं था और उसके ग्रैंडफादर तो फिलहाल यहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल में थे, उसकी मम जानबूझकर के जैन और रुओ को बेबी बॉर्न करने के लिए कहती है। जैन कहता है वो लोग उस दिनों बाद इस बारे में प्लान करने वाले हैं। जो उसकी दूर की कजन सिस्टर थी ना वो यहाँ पर जैन को फूड फूड ऑफर कर रही थी, तो रुओ वो फूड ले लेती है और खुद ही जैन को वो फूड ऑफर करने लगती है। थोड़ा बहुत ही खाने के बाद जैन घर के लिए निकल जाता है। उसे यहाँ पर अपने घर वालों के साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता था, ये लोग हमेशा ही तमाशा करते रहते हैं और रुओ इस चीज़ को अच्छे से नोटिस कर रही थी, इसी वजह से जैन हमेशा इतना ग्रंपी ग्रंपी सा रहते हैं। हॉस्पिटल में आज उन्हें स्टे करना था, रुओ घर जाना चाह रही थी लेकिन जैन यहीं पर रुकने के लिए बोलता और उसको जानबूझ करके डरा रहा था। तुम्हें पता है मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल में एक भूत देखा है, और रुओ बेचारी सच में डर रही होती और वो तो उसके पीछे पीछे चिपको चिंगम बन करके घूमने लगती है। अगली मॉर्निंग यहाँ पर लिली अपना इमेज बनाने के लिए सबको कुछ कुछ स्नैक्स वगैरह बांट रही होती है। रुओ से ही गल बढ़ाई कर रही थी कि जैसी भी है मुझे तो लगता है कि वो अच्छी बिहेव की है, लेकिन सच तो तब आता है जबकि एक कम जहरीला सांप यहाँ पर उस ऐसे इस तरीके से आ जाता है एक लड़की को लिली को पर, और लिली सामने वाली लड़की पर फेंक देती है। रुओ जब उसे सेव करती है लिली कहती है वो गलती से मैंने उसे फेंक दिया था, लेकिन वो समझ रही थी कि वो बस सामने से अच्छी बनती है जबकि असली में अच्छी तो रुओ है। इस तरीके से वो अपनी जान के फिक्र किए बगैर यहाँ पर आ करके उसका हेल्प किए। अब सब यहाँ पर रुओ की बढ़ाई करने लगते और कहते हैं रुओ एक्चुअल में अच्छी है। वो घर जा कर के गु से कंप्लेन कर रही थी तो गु उसे कहता है कि तुम्हें उससे पंगे नहीं लेने चाहिए। नेक्स्ट डे उस ड्रामा का प्रोड्यूसर यहाँ पर आता है जो कि रुओ को फर्स्ट टाइम देख रहा था, और वो रुओ में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर इंटरेस्ट लेने लगता है, वो कुछ ज़्यादा ही ठरकी था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जब लोग रात में डिनर करने के लिए जाते हैं तो जैन भी आ जाता है। यहाँ पर रुओ को पता चलता है कि जैन एक्चुअल में उसके ड्रामे का इन्वेस्टर है, अब तक उसे इस बारे में पता नहीं था। यहाँ पर वो लोग साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के सामने ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो दोनों बिल्कुल ही स्ट्रेंजर हैं, लेकिन सबको दिख रही थी कि जैन की नज़रें तो यहाँ पर रुओ पर ही थी। रुओ वॉशरूम जाती है तो जैन उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए आ जाता है। वो उसे कहता है कि सोशलाइज करना भी तुम्हारा काम है। रुओ कहती है हाँ,
एक्ट्रेस हूँ मैं, लोगों से मिलूंगी तभी तो मुझे और कनेक्शंस मिलेंगे और कुछ अलग ड्रामे मिलेंगे। जेन यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होकर के बाहर चले जाता है। रूह को समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है। उसने उससे कहा था कि रात में वो उसके कमरे में स्टे करने के लिए आएगी। रूह यहाँ पर जेन के लिए मिल्क लेकर के आती है। शुरुआत में तब वो भाव खा रहा था थोड़ा सा, क्योंकि वो रूह से गुस्सा था ना, लेकिन फिर वो उसे ऐसे कमरे में ले लेता है। रूह यहाँ पर जैन के आने का वेट करते करते खुद ही सोने लगती है सोफे पे। जैन बेचारा रूह को उसका स्लीपिंग पिल बनने के लिए बोला था और वो रूह का यहाँ पे ख्याल रख रहा होता है। अगली मॉर्निंग इस तरीके से रूह जगती है तो देखती है उस जैन के बगल में और उसे सॉरी सॉरी बोलने लगती है। 1-2 घंटे जैन उससे हक करके सोता है। फिर सुबह वो लोग निकलते हैं कमरे से तो सारे क्रू मेम्बर उन्हें देख लेते हैं। उन्हें ये हिंट मिल गया था कि जेन और रूओ दोनों हस्बैंड वाइफ थे और अब रूओ को यहाँ पर ड्रामे में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। और ये ठर के इंसान ऐसे रूओ को परेशान भी नहीं कर रहा होता है। रूओ यहाँ पर ड्रामा के शूटिंग के लास्ट डे सबके लिए यहाँ पर केक वेक लाती है। ये गर्ल यहाँ पर रूओ की काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई थी और ये सीनियर एक्टर भी रूओ का काफ़ी यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा था और डायरेक्टर तो उसे भाव दे ही रहा था क्योंकि वो जेन की वाइफ जो थी। रूह यहाँ पर घर जाती है तो देखती है कि जैन अभी तक ऑफिस से आया नहीं है। घर का बटलर बताता है कि जैन ने यहाँ पर रूह के लिए कुछ सरप्राइज वगैरह उसके कमरे में रखे हुए हैं। रूह खुश होकर के कमरे में जाती है तो देखती है कि कुछ महंगे ड्रेसेज और इस तरीके से ज्वेलर्स वगैरह यहाँ पर जैन ने उसे दिए हुए हैं। वो घर आकर के कुछ इस तरीके से उसे पूछ रहा था, डरा धमका करके उसे ज्वेलरीज कैसे लगी। रूह कहती है हाँ हाँ काफ़ी प्यारी है। वो उसे कहता है इसे पहन करके गु के सामने मत जाना। रूह समझ नहीं पा रही है जैन को जेलस हो रहा है या वो किसी और मीन से उसे ये बातें कह रहा है। वो रात में अपने दोस्तों से बात कर रही होती है तभी जैन आ जाता है और जल्दी से उसे अपना फ़ोन बंद करता है क्योंकि अब सोने का समय जो हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रूह अपनी बेस्टी से मिलने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। और इतना ही नहीं, वो इतना बदमाश है कि उसके प्राइवेट फोटोज को लेकर के वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है और 2 मिलियन पैसे मांग रहा है। रूह यहाँ पर दिमाग लगाते हुए कहती है ठीक है उसे कॉल करो, मैं चीज़ों को संभालती हूँ। वो उसे कॉल करके कहती है कि ठीक है, वो उसे पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन उसे सारे फोटोज डिलीट करने होंगे। तो वो ओके कह देता है लेकिन उसका प्लान कुछ और ही था। उसने उन फोटोज के ऑलरेडी कॉपीज बना लिए थे, वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देने वाला था। यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है क्या सच में हम पैसे देने वाले हैं। वो कहती है नहीं, देखती जाओ मैं आगे क्या कर रही हूँ। और फिर वो पैसे वैसे लेकर के पहुंच जाती है उसके एक्स के घर। पैसे वैसे देने के बाद वो उसे कहती है चलो तुम अपना फोन दो, हमें फोन से फोटोज को डिलीट करना है। तो वो यहाँ पर उन्हें फोन दे देता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर वो फोटोज लेकर के डिलीट जब कर देती है ना, फिर जाकर के वो पैसे खोलता है तो देखता है कि एक्चुअल में इसमें तो पैसे हैं ही नहीं और नकली पैसे हैं। उन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से फोटोज की कॉपी बना लिए हैं लेकिन वो कह रही होती है मुझे पता था कि तुम कुछ यू ड्रामा करोगी, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड को लेकर के आ जाऊँगी तुम्हें सबक सिखाए। ये लोग उन्हें डराते धमकाते और कहते हैं कि देखो बेटा प्रेम पूर्वक से वो फोटोज को डिलीट कर दो, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें पता है कि मेरा हस्बैंड कौन है और वो क्या करेगा तुम्हारा, ये भी तुम काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो। वो डर के मारे सारे फोटोज डिलीट कर देता है। फिर वो अपने दोस्त लोगों के साथ डिनर करने के लिए जाती है। काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम उन लोगों ने सॉल्व किया था। यहाँ पर जब वो लोग इस तरीके से जाते हैं तो वहाँ पर लिली आ जाती है और वो जानबूझ करके यहाँ पर इंटरनेट पर अपना लाइव कर रही होती है और इस तरीके से सबको दिखा रही थी कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, रूह कितनी बुरी है। वो जानबूझ करके ये सारा काम कर रही होती है और सब यहाँ पर ऑनलाइन इस तरीके से रूह को बुरा बुरा कहने भी लगते हैं। लेकिन रूह को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो ऑनलाइन ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं दिया करती है। वो अपने दोस्त लोगों से बात कर रही होती है कि हमें बस अपने से मतलब रखना चाहिए। रात में वो घर जाती है तो उसके बटलर ने इस तरीके से फूड वगैरह बनाया हुआ था और उसे कहता है कि आपको सच में ऑनलाइन क्या चल रहा है उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो कहती है नहीं भला मुझे क्यों ही फ़र्क पड़ेगा, मैं इतनी चीज़ों को ध्यान नहीं देती हूँ। तो वो यहाँ पर जैन को कॉल करता है और कहता है कि इस तरीके से रूह के बारे में ये सारी बातें फैल रही हैं। तो वो यहाँ पर रूह का हेल्प करने के लिए उस पोस्ट को ही डाउन करवा देता है। रूह को पता नहीं था कि ये पोस्ट डाउन कराया किसने। बटलर उसे बताता है कि जैन ने उसका हेल्प करने के लिए रूह का ये पोस्ट डाउन कराया।
रूही ये सुनकर के सोचने लगती है कि जेन एक्चुअल में उसका केयर कर रहा है उसकी क्या ये जो सीनियर वाली फ्रेंड थी वो उसे कॉल करती है और कहती है कि मेरा ना एक और नया ड्रामा शूट होने वाला है जिसमें सेकंड फीमेल लीड यहाँ पर इस तरीके से रिक्वायर्ड है, क्या वो काम करना चाहेगी? रूह इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है और काफी खुश भी हो जाती है। रात में जब वो काम फिनिश करके आती है तो देखती है कि जेन यहाँ पर बहुत ही ड्रंक कंडीशन में हॉल में ही सो रहा है, तो वो उसे जगाने का कोशिश करती है कि वो अपने कमरे में चले जाए, लेकिन जेन यहाँ पर रूह को ऐसे जबरदस्ती ड्रिंक कराने लगता है। रूह जैसे तैसे करके खुद के कमरे में चली जाती है। अगली मॉर्निंग वो बटलर से जान रही थी कि जेन का पंगा क्या है, वो रात में ड्रिंक करने के बाद इतना अलग क्यों हो जाता है। उसका बटलर उसे कुछ नहीं बताता है। जेन रूह को एक काफी प्यारा सा ब्रोच गिफ्ट करता है और कहता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया था तो वहां से उसके लिए लेकर गया है। रूह कल की गलती के लिए उसे माफी दे देती है। नेक्स्ट जब वो कल पार्टी करने के लिए जाती है तो गु को देखती है कि वो अपने दोस्त से रूह के हस्बैंड की बुराई कर रहा है कि वो किसी बूढ़े इंसान से शादी कर ली है। रूह उसे कहती है सच क्या है ये तुम्हें भी पता है, और वहां से चली जाती है। गु यहाँ पर अपने फ्रेंड को अब भी उसके हस्बैंड की बुराई कर रहा था, वहां पर जैन आ जाता है। जैन जब सुनता है कि वो लोग रूह के बारे में बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पर होटल के मैनेजर को कॉल करता है और गु को दोबारा उस होटल में कभी एंट्री ही नहीं मिली, उसे वहाँ होटल से ऐसे बाहर निकाल दिया जाता है। रूह को इस बारे में पता नहीं था। वो घर जाती है, उसके फ्रेंड उसे छोड़ने के लिए जाती है। वो थोड़ी सी सैड थी आज, इस तरीके से उसके बारे में इस तरीके से रूमर वो फैला रहा है, उसे जेन के लिए बुरा लग रहा था। और घर का बटलर यहाँ पर रूह को मिल्क वगैरह देता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होकर के यहाँ पर आई हुई थी। जेन वहाँ पर आके बताता है तुम्हारा वो ठरकी एक्स आया था और इस तरीके से वो तुम्हारी बुराई कर रहा था तो मैंने उसे होटल से बाहर निकलवा दिया। रूह तो ये सुन करके काफ़ी खुशी होने लगती है। नेक्स्ट वो वापस अपना शूटिंग वूटिंग करने के लिए चली जाती है। अगले दिन जेन के ग्रैंडफादर हॉस्पिटल से रिलीज होकर के आए हुए थे तो वो लोग ग्रैंडफादर से मिलने के लिए घर जाते हैं। ग्रैंडफादर ही थे जो थोड़ा बहुत यहाँ पर जेन का ख्याल रखा करते थे और वो ये चीज़ नोटिस करते हैं कि रूह इस तरीके से जेन का ख्याल रख रही है तो वो खुशी हो रहे होते हैं। वो जेन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर रूह का केयर करना चाहिए, तुमने आज तक कभी किसी का केयर नहीं किया है और रूह तुम्हारा ख्याल रखती है मुझे दिख रहा है। खाना वाना खाने के बाद वो लोग लौट रहे थे तो रूह ऐसे जेन को हक कर लेती है क्योंकि उसके लिए उसे उसके लिए काफ़ी बुरा फील हो रहा था। अपनी ही फैमिली में उसे उसी की तरह आउटसाइडर की तरह ट्रीट कराया जाता है, लेकिन उसके लाइफ में रियल पार्टनर तो थी नहीं, इसी वजह से ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी। जेन को रूह का अब ये केयर काफ़ी अच्छा लगने लगा है। वो अपनी आंट से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर गु भी आ जाता है क्योंकि वो दोनों एक तरह से बहुत दूर के रिलेटिव ही थे। गु से कहते हैं कि क्या उसे माफ़ नहीं कर सकती उसे लेली की असलियत दिख गई है, वो अच्छी नहीं है। रूह मना कर देती है और कहती है कि नहीं हमारे बीच अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तुमने लिली को उस समय चूज किया था वो तुम्हारा डिसीजन था और मैं जिन से मैरिड हूँ ये मेरा डिसीजन है, तो बेहतर होगा तुम मुझे परेशान ना ही करो तो बेहतर है। फिर रूह इस तरीके से घर जाती है तो जेन उसके आने का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो आए तो वो रूह को हक करके सो सके, लेकिन रूह को ये बात पता ही नहीं था कि जेन एक्चुअल में उसे उसकी नींद के लिए ऐसे अपने साथ रखता है। वो उसे कह रहा था मैंने तुम्हारा ड्रामा देखा, अच्छे ड्रेसेस तुमने उसमें पहने हुए हैं। रूह सोचती है कि शायद जेन उसे और कुछ ज्वेलरीज वगैरह देगा पर उसे ज्वेलरीज वगैरह नहीं देता है। रूह अपने काफ़ी करियर में फोकस थी और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिली को कहीं कोई जॉब मिल ही नहीं रहा था। जो उसने कांड किया था लाइव टेलीकास्ट में सारे लोगों को पता चल गया था। पार्टी का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि रूह इस गर्ल के साथ गई होती और उससे वहाँ पर कुछ और डायरेक्टर लोगों से मिलवा रही थी ताकि उसे कुछ नए ड्रामास वगैरह मिल सके। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैन भी आया हुआ था और वो यहाँ पर और लोगों को रूह को बुली करने से रोक रहा था, और इतना ही नहीं वहाँ पर वो रूह को ड्रिंक भी नहीं करने दे रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो थोड़े से ड्रिंक में ही यहाँ पर टल्ली हो जाती है। एक इंसान जब रूह को छेड़ने का कोशिश करता है तो वो उसे प्रोटेक्ट करते हुए घर लेकर के जाता है। रात में उसका ख्याल रखते रखते वो खुद ही सो जाता है। रूह रात में जाकर देखती है और सोचती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है, तो जैन उसे हक कर लेता है और ऐसे ही रहने के लिए बोलता है। जैन और रूह की लाइफ अब सही चल रही होती है और दोनों के बीच थोड़े बहुत प्यार मोहब्बत भी बढ़ रहे थे। जैन रूह को प्यार से एक दिन किस कर लेता है। इसके बाद दोनों सारे प्रॉब्लम्स को भुला करके एक रियल कपल बन जाते हैं। कहानी कुछ यूं ही एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये स्वीट सी लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन में।